हेलो बच्चों, आशा है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। मुझे यकीन है कि आपने जिम्मेदारी शब्द जरूर सुना होगा। एक कहावत है कि आजादी के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो जिम्मेदारी क्या है? किसी के सत्ता नियंत्रण या प्रबंधन के भीतर किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार, जवाबदेह होने की अवस्था या तथ्य। उदाहरण के लिए, आपकी जिम्मेदारी है कि एक बार अच्छी पढ़ाई करें, और जैसे जैसे जीवन बीतता है आपकी अपने माता पिता और भाई बहनों की भी जिम्मेदारी आप पर बनती है। नियमों का पालन करके देश के प्रति जिम्मेदारी निभानी होती है। सूची अंतहीन है, इसमें स्कूली बच्चों की प्रेरक कहानियां हैं जो अपने पर्यावरण के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हैं। और उन्होंने एक पहल की है प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई में। तमिलनाडु की स्कूली लड़कियों ने 20,000 से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट रैपर निर्माताओं को वापस भेजे प्लास्टिक की। धन्यवाद। प्लास्टिक के व्यापक पैट के लिए यह दुखद वास्तविकता यह है कि आपको सार्वजनिक और निजी स्थानों पर ऐसे बहुत कम मिलेंगे जहां प्लास्टिक सामग्री ना हो। रैपर, कागज, पॉली बैग और टूटे हुए घरेलू सामान दुर्भाग्य से हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। ये समझ लो कि प्लास्टिक के हमारे पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। विभिन्न गैर लाभकारी व्यक्ति और यहाँ तक कि सरकारी संगठन भी अब पहल लागू कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक में काफी कटौती करना और सार्वजनिक उपयोग के लिए अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प पेश करना है। लेकिन तमिलनाडु के सूबिया विद्यालय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की इन छात्राओं ने एक शानदार उदाहरण पेश किया है, जिससे हम में से अधिकांश वयस्कों को प्रेरणा लेनी चाहिए और इसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। सिटी कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई एक पहल में, जिसका उद्देश्य स्कूल के माध्यम से अपनी विनिर्माण कंपनियों के साथ पैक किए गए उपभोग्य सामग्रियों के मुद्दे को संबोधित करना था। स्कूल की लड़कियों ने 2 सप्ताह में लगभग उनके द्वारा खाए गए सभी पैक किए गए खाद्य पदार्थों के 20,244 रैपर एकत्र किए। फिर उन्होंने इन रैपरों को एक नोट के साथ संबंधित निर्माताओं को वापस भेज दिया, जिसमें लिखा था, हम आपके उत्पादों के स्वाद और गुणवत्ता से खुश हैं, लेकिन हम प्लास्टिक पैकेजिंग से नाखुश हैं। हम भावी पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहते हैं और कम से कम हमारे प्लास्टिक पद चिन्ह, हमने आपके उत्पादों के उपयोग किए गए प्लास्टिक रैपरों को इकट्ठा करने और उन्हें सुरक्षित निपटान के लिए आपके पास भेजने का निर्णय लिया है। कृपया पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग शुरू करके बिना अपराध बोध के अपने उत्पाद का स्वाद लेने में हमारी मदद करें। लगभग 10,660 रैपर अग्रणी खाद्य उत्पाद कंपनी के हैं। इन्हें थुथुकुडी के सहयोग आयुक्त एलबी जॉन वर्गिस की मदद से कंपनियों को वापस भेज दिया गया। आयुक्त ने कहा कि छात्र द्वारा किया गया अभ्यास एक बड़ी सफलता थी। हम इस अभ्यास को अन्य संगठनों, अन्य सहयोग और निजी स्कूलों तक बढ़ाएंगे। ये देखकर मेरा दिल खुश हो गया कि कैसे स्कूल के बच्चे लोगों और ग्रह की रक्षा के लिए इतने जिम्मेदार हो सकते हैं। ये एक और कहानी है जो मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस कराती है। इन लोगों ने आतंकवाद की सामूहिक जिम्मेदारी ली। 2008 आतंकवादी हमलों से भरा साल था और अधिकांश लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति पर अपना सिर हिलाया, सरकार की खामियों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया और आगे बढ़ गए। हालांकि दिल्ली में एक नागरिक समूह ने दूसरों को दोष न देने और आगे बढ़ने का फैसला किया। इस बजाय उसने जागरूक नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया था, समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह जिसका लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना और अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना था। JNSS के अध्यक्ष डेंसन जोसेफ का कहना है कि एक नागरिक को सतर्क रहने और एक नेटवर्क बनाने और खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो इसके लिए सुरक्षा बल दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। तो वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना कैसे बनाते हैं?
पहला कदम सबसे संभावित आतंकी लक्ष्य की पहचान करना था। व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले बाजार स्थान, फिर दो अलग अलग टीमें बनाई गईं। नागरिक खुफिया नेटवर्क क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और रिपोर्ट करने के लिए, किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक नागरिक सक्रिय प्रतिक्रिया टीम थी। सभी दुकानदारों को नागरिकों की सक्रिय प्रतिक्रिया टीम में शामिल होने के लिए केवल एक कार्यकर्ता को स्वेच्छा से शामिल करने के लिए कहा गया था। उनसे अपेक्षा की गई कि वे बाजार में घूम रहे किसी भी संदिग्ध गतिविधियों और लोगों पर ध्यान दें। योजना को सरोजनी नगर स्थित भैलोरी मार्केट में अंजाम दिया गया। दिल्ली में खरीदारी और आतंकी हमलों के लिए ये सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है। नागरिक पहल को बाजार संघों से व्यापक सराहना और प्रतिक्रिया मिली है। सरल विचार और अमल इस योजना ने नागरिकों से अपने जीवन के प्रति सतर्क और जिम्मेदार होने का आग्रह किया। एक ऐसा सिद्धांत जो नासमझ आतंक के इस युग में बहुत प्रभावी साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों, जिम्मेदारी का कोई भी छोटा कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा, एक बड़े बीज के रूप में विकसित होगा और जिम्मेदार नागरिकों के साथ दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। आप सभी को पूरी जिम्मेदारी के साथ शानदार जीवन की शुभकामनाएं। शुभ दिन। जय हिंद।